बुदु 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 बुदु। आज सुबह हम लोगों ने क्या खाया था जरा बताओ। मालिक, मैं जब गांव में रहता था तो वहाँ पर जो खाता था वो तो आप खा ही नहीं सकते हो। तुम ऐसा क्या खाते थे जरा बताओ। पिताजी के हाथों की मार, बाप रे बाप। अचानक से पुरानी यादें ताजा हो गई, पूरा शरीर सनसना गया मेरा। तुम्हारे लिए तो वही अच्छा है। ये लो, बाजार से जाकर 6 गर्मा गर्म कचौरी ले आओ। अभी गया मालिक और अभी आया। गरम कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी और सब्जी फ्री। सब्जी फ्री? अरे वाह भैया, मुझे एक कटोरी सब्जी दे देंगे? ए भाई, सब्जी के पैसे कौन देगा? क्या पैसे किस बात के? अभी तो आपने बोला कि सब्जी तो फ्री है। अच्छा ये बात है, सुबह सुबह मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अरे ये क्या, अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे रे रे, मार कर इसने मेरे सर को आलू की तरह फुला दिया है। अरे बाप रे बाप, इसे काट कर आज सब्जी बन जाएगी। हाँ, अब इसी आलू की सब्जी बनाकर घर जाकर खाओ। तुम्हारे फ्री की सब्जी के चक्कर में मैं भूल गया कि मालिक ने कहा है कि उन्हें कचौड़ी खाना है। लो पैसे, मुझे सिर्फ 6 कचौड़ी दे दो, नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जी। बुद्धू, अरे बेवकूफ गधे, अरे तुम सिर्फ कचौड़ी लेकर के ही आ गए? अरे आपने ही तो बोला था ना मालिक की कचौड़ी खाना है, आपको सब्जी भी खाना है, आपने ऐसा तो बोला ही नहीं था। बोलने की कोई जरूरत है? अरे ये तो सभी जानते हैं कि कचौड़ी के साथ सब्जी की जरूरत तो होती ही है। देखो भला, सभी जानते हैं तो मुझे भी जानना पड़ेगा। हा? आपको तो पढ़ना लिखना आता है, मुझे क्या आता है? ये लीजिए मालिक, मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। अरे तुमने चाय में चीनी क्यों नहीं डाली? चीनी होता तो डालता ना, सारी चीनी चिड़िया लेकर चले गए मालिक। और तुम बस खड़े होकर देख रहे थे? तुमने कुछ किया क्यों नहीं? आप भी ना मालिक, मुझे क्या चींटियों की भाषा समझ में आती है जो मैं उन्हें मना कर पाता। मालिक कितने भोले हैं। तुम्हारी वजह से तो अब मैं पागल हो जाऊंगा। जाओ 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 जाओ, यहाँ से जाओ, बाजार जाकर 1 किलो चीनी ले आओ। और सुनो, लौटते समय मदन की दुकान से 10 रसगुल्ले जरूर ले आना। जाओ। अभी जाता हूँ मालिक, अब भी जाता हूँ। अरे बुद्धू, कहाँ जा रहे हो? चीनी खरीदने, इसके बाद रसगुल्ले भी खरीदने हैं। मैं अब जा रहा हूँ। वो तो बुद्धूराम है ना? अच्छा, तो अचानक तुम्हें बुद्धू से क्या काम आन पड़ा? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, सुनो। मैं तैयार हूँ, लेकिन जितना भी मुनाफा होगा उसमें आधा मेरा। ठीक है, दे दूंगा मैं। चलो, चीनी मैंने खरीद लिया है और अब मदन की दुकान से 10 रसगुल्ले खरीद लेता हूँ, सारा काम खत्म हो जाएगा मेरा। ओए वो देखो, बुद्धू आ रहा है। अरे भाई, वो बोल रहा है कि ये रसगुल्ले का पेड़ अच्छा है ना? मैं मतलब इस पेड़ में इतने सारे रसगुल्ले फलेंगे कि बेचने के बावजूद भी ये खत्म नहीं हो पाएंगे। मालिक बेकार में ही मुझे बेवकूफ बोलते रहते हैं, आज समझ में आया कि मालिक भी कम बेवकूफ नहीं है। ऐसा ही एक पेड़ मैं अगर घर पर लगा दूं तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, मुझे बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, तो मैं कितने रसगुल्ले दूं बुद्धू राम? मैं बेवकूफ हूँ क्या? पैसे देकर अब मैं रसगुल्ले का पेड़ खरीदूंगा और जब मन करे खाऊंगा।
भाई, इसकी कीमत कितनी है? सिर्फ 1,000। अरे बाप रे बाप, इतने सारे पैसे मेरे पास तो नहीं है। अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए है, वो दे दूं क्या? ठीक है, अभी जितना है उतने ही दे दो, बाकी के 500 रुपए मदन को दे देना, ठीक है? आप बहुत अच्छे हो, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। ऊपर वाला सिर्फ आपका मंगल नहीं, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सब करे। बुद्धू नाम है तो क्या हुआ, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ। अरे बुद्धू, भोला बुद्धू, प्यारा बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू, मैं हूँ बुद्धू, भोला बुद्धू। अरे बुद्धू, तुम कितनी देर पहले बाजार गए थे, भला बाजार से आने में इतना वक्त क्यों लगा? चीनी और रसगुल्ले खरीद कर लाए कि नहीं? पर मैंने तो रसगुल्ला खरीदा ही नहीं है मालिक। तो फिर? मैं बाजार से रसगुल्ले का पेड़ 500 रुपए में खरीद कर लेकर आया हूँ। ये देखिए देखिए, इसमें कितने सारे रसगुल्ले फले हुए हैं ना। रसगुल्ले का पेड़? भला रसगुल्ले का पेड़ भी होता है क्या? जरूर बेवकूफ बने। आप सामने देख रहे हैं फिर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप भी ना, ये लीजिए खा कर देखिए। खाइए खाइए खाइए, पेड़ में बहुत सारे हैं, आप मन भर कर खाइए। तब तक मैं आपके लिए ग्लास पानी लेकर आता हूँ। अरे बेवकूफ, सुबह सुबह तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया है और तुम बेवकूफ बनकर आ भी गए। अरे क्या तुमने कभी सुना है कि रसगुल्ले पेड़ पर उगते हैं? हाँ? बड़ी अजीब बात है, तब इस पेड़ पर क्या लटक रहा है बताओ? रसगुल्ले लटक तो रहे हैं, लेकिन ये पेड़ पर नहीं फले हैं, पेड़ की डाली से इन्हें चिपकाया गया है। ये देखो देखो देखो। अरे बाप रे बाप, मैं तो लूट गया। आपने सही कहा मालिक, आपने सही कहा, अगर पेड़ में होता तो रसगुल्ले में टहनी जुड़ी होती, जैसे कि आम के पेड़ में होता है, कटहल के पेड़ में होता है और कितने सारे पेड़ों में होता है। अब तुम्हें समझ में आया ना कि तुम्हारा नाम बुद्धू राम क्यों है? नहीं मालिक, भला रसगुल्ले से नाम का क्या संबंध है? ओ, ये सब फालतू की बातें छोड़ो और जरा बताओ कि तुम्हें सुबह सुबह किसने टोपी पहना दी है? टोपी कहाँ है मालिक, मैंने तो टोपी नहीं पहनी है। अरे बाबा, टोपी पहनाने का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, तुम्हें किसने बेवकूफ बनाया है? ओह, उस बदमाश मदन ने मालिक, मदन ने, उसके साथ एक आदमी भी था, दिखने में बड़ा ही अजीब था। समझ गया, तो जरा सुनो, अब मैं तुम्हें जो जो बताता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना, ठीक है? मालिक ने बार बार बोला है कि जितना सिखाया है उससे ज्यादा एक शब्द भी मत बोलना। हाँ क्यों बुद्धू, पेड़ में रसगुल्ले तो आ रहे हैं ना? अरे बाप रे बाप, पेड़ लगाते ही पूरा पेड़ रसगुल्ले से भर गया है। आपका मैं कैसे एहसान चुकाऊंगा भैया? नहीं नहीं, एहसान की जरूरत नहीं, ये बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? वो बहुत सारे सामान लेने हैं, इसलिए लिख कर लाया हूँ। बाप रे बाप, हाँ, 100 रसगुल्ले, 70 गुलाब जामुन, 80 चमचम, 5 किलो पेड़े, 1 किलो बूंदी, 50 लड्डू। अरे बाप रे बाप, रुको 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 रुको, मेरे पास सब कुछ है, अभी लाता हूँ। क्या? पैसों का पेड़, इसे लगाकर पैसे ले लीजिएगा, ठीक है? मजाक कर रहे हो, पैसों का भी पेड़ होता है क्या? इस सवाल का जवाब मालिक ने क्या बोलने के लिए बोला था? हाँ याद आ गया, हाँ, अगर रसगुल्ले का पेड़ हो सकता है तो पैसों का पेड़ क्यों नहीं हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, 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 मैं ये पेड़ नहीं ले सकता, मुझे तो पैसे ही चाहिए। क्या हुआ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है, दे रहा है, लेकिन इस बात का क्या जवाब देना है ये मालिक ने नहीं सिखाया है। उन्होंने बोला है कि मिठाई लेकर भागाना। अरे रुको बुद्धू, मैं बोल रहा हूँ जरा रुक जाओ। अरे मेरी बात सुनो। हाय हाय बदमाश, तेरा तो नुकसान हो गया।
ना बुद्धू, अगर दिमाग हो तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। सही कहा मालिक आपने, आप कितने बुद्धिमान हैं। आपने तो रसगुल्ले के पेड़ पर पूरा मिठाई का दुकान ही खोल दिया। और तुमने साथ ही बेवकूफ बनाने का बदला भी ले लिया। लो लो, अब पेड़ से जितना मन करे उतनी मिठाइयाँ तोड़ तोड़ कर खाओ। और सुनो, दूसरी बार ऐसी गलती कभी मत करना। नहीं नहीं, रसगुल्ले की कसम खाकर बोलता हूँ मालिक, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। सुनो, ताजी ताजी सब्जियाँ ले लो। सब्जियाँ लेंगे क्या भैया? अरे भैया, मूली है क्या आपके पास? हाँ भैया, बिल्कुल ताजी है, ये देखिए। अरे वाह वाह, तो आप तो मूली में पत्ते लगाकर मूली के पेड़ बेचने आए हो। रुको रुको, अभी मजा चखाता हूँ। क्या पागल है क्या ये? अरे बचाओ इससे मुझे, मुझे कोई बचाओ। अरे बचाओ, मैं हूँ या तुम हो? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? मेरा नाम बुद्धू है। मैं बुद्धू नहीं हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मूली का पेड़ नहीं होता। रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। रुको, इस जन्म में तो मैं बुद्धू को बुद्धिमान नहीं बना पाऊंगा।